दुनिया भर के मीडिया की तरह पाकिस्तान में भी लाइव ट्रांसमिशन के दौरान मिस्टेक्स और इंसल्ट के मोमेंट्स रिकॉर्ड हो जाते हैं, और हमारे मीडिया के कुछ ऐसे मोमेंट्स तो वर्ल्ड वाइड फेमस भी हो चुके हैं। तो वॉइस डेली की आज की एपिसोड कुछ ऐसे ही लाइव इंसल्ट्स और मिस्टेक्स के नाम के, जिनमें से कुछ तो आपने पहले भी देख रखी होंगी और कुछ पहली मर्तबा देखेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए आगे बढ़ते हैं, मगर हमारी इस घंटों की मेहनत को लाइक करना मत भूलना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनना। आमिर लियाकत अपनी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से अक्सर सोशल मीडिया मीम्स का हिस्सा बने रहते हैं, लेकिन उनकी बेइज्जती सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं, समटाइम्स तो लाइव ट्रांसमिशन में भी हो जाती है। अपनी पिछली रमजान ट्रांसमिशन में जब वो एक्ट्रेस सबूर अली के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने लाइव शो ही में आमिर लियाकत को सबक सिखा दिया। मेरे लिए खास क्यों बना? मैं तुम्हें देख नहीं सकता, ये नॉन रिफ्लेक्टिव है ना, ताकि पता ना चले। मैं तुम्हें खुली आंखों से देख सकता, बंद आंखों से नहीं। मैं चाहता हूँ कि आंखों में मैं चाहती हूँ आप मुझे झुकी आंखों से देखें, ऐसा हो सकता है? मैं ये करवा के जाऊँ। हमारे लाला शाहिद अफरीदी भी इस बारे में मशहूर हैं कि जो उनके दिल में हो वही जुबान पर आता है, यानी कोई फिल्टर नहीं। पिछले दिनों जब जर्नलिस्ट सना बुच्चा ने उन्हें एक गुगली की तरह घूमता हुआ सवाल पूछा, तो देखिए फिर लाला ने कैसा छक्का लगाकर उसे स्टेडियम से बाहर फेंका। आपने ज्वाइन की पहले जलमी, फिर कराची किंग्स, फिर आप मुल्तान सुल्तान, ठीक है? बहुत तेज हो रहा है। कभी एक चैनल, कभी दूसरा चैनल, कभी तीसरा चैनल, मुझे आप अपना भी। और ब्लंटनेस में तो रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर तो लाला से भी दो हाथ आगे हैं। एक इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले जब इंडियन एंकर ने पाकिस्तानी टीम के बारे में कुछ नामुनासिब अल्फाज कहे, तो देखिए फिर शोएब अख्तर ने 100 मील की स्पीड का कैसा यॉर्कर फेंककर उसे क्लीन बोल कर दिया। घंटे पहले जिस तरीके से धुलाई हुई थी पाकिस्तान की टीम की, आज फिर से धुलाई के लिए तैयार होकर आ रहे हैं ना आज के खिलाड़ी? अभी बता दे भाई, अभी बता दे कि मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है खातून, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, और आप अगर तमीज के दायरे में रह के सवाल करेंगी तो मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आप ये कहेंगे धुलाई होगी, स्वच्छता होगी, ये होगी, मुझसे क्रिकेट के सवाल करें, मैं क्रिकेट के जवाब दूंगा। आपके सामने कोई हरियाणा क्लब क्रिकेटर नहीं बैठा हुआ जिसे आप वो ऐसी बात करेंगी। मजा आया। क्रिकेटर्स की बात हो रही है तो PSL का जिक्र भी हो जाए, जिसके मेन स्पॉन्सर्स में टपाल चाय भी शामिल थी। और आपको मालूम है कि मैच के दौरान वो अक्सर ऑडियंस के हाथों में टपाल के कप थमाकर अपनी एडवर्टीजमेंट किया करते थे, लेकिन इस लड़की ने तो लाइव टीवी पर ही उनको बेइज्जत करके रख दिया कि जब उसने कप को उल्टा करके दिखाया कि टपाल वाले ऑडियंस को खाली कप थमाकर अपनी एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। फेमस मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह जब लाइव टीवी शो में टेक्नोलॉजी कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात कर रहे थे, तो न्यूज एंकर क्या चुस मार कर दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती करवा बैठी। एप्पल का बिजनेस, अकेला एप्पल का बिजनेस पाकिस्तान के सारे बजट से पता नहीं कितने गुना ज्यादा है। कोई ये भी तो देखे ना सर, ये मैंने सुना था कि बिजनेस किस लेवल की, इतनी सारी इकसाम है। एप्पल मोबाइल की बात हो रही है इस वक्त ना। साहिर लोदी भी अपने मॉर्निंग शोज में अक्सर छिछोरपन दिखाते ही रहते हैं, और लगता है कि ये सब कुछ इस कॉलर की बर्दाश्त से बाहर हो गया था। फिर उसने स्पेशल कॉल करके इनकी लाइव शो में इंसल्ट किया। लोदी पार्क खबीर बोल बीता से भाई, अब बहुत मजे करते हो लाल पहन के, छुट्टी बने हुए खाते क्या? आज लड़की को छुट्टी हो सकते हो क्या? आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर सेइंग। क्या बोले ना, आवाज में कोई मसला तारिक यूसुफ साहब दोबारा कॉल कीजिएगा, और अगर ज्यादा दिल चाहे तो मेरे मोबाइल पे कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। प्यारी समझ गई। एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर को अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए बिहाइंड द कैमरा क्या क्या इंतजाम करने पड़ते हैं, इस लाइव इंसल्ट से ही पता चल जाता है। आ गया यार, तो बारिश से भी महसूस हो रहा है, बात करते हैं। हाँ भाई, क्या कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? सुभाष। अच्छा, तो नहा रहे हो तुम बारिश के पानी में? नहीं। क्या कर रहे हो इधर? आप हमें जबरदस्ती यहाँ लाए। हरामी हो। सिंध में कोर्ट डिजी का बेचारा ये रिपोर्टर प्रेस क्लब पर कब्जा माफिया के बारे में रिपोर्ट बना ही रहा था कि उसकी फीडबैक उसे वहीं लाइव मिल गई। यहाँ प्रेस क्लब को बनाने के लिए नहीं, मगर उठा लो 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 लो।
और ये एंथुसियास्टिक रिपोर्टर तो शायद ही किसी को भूली हो कि जो अवाम के मसाइल सुनाते सुनाते कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई और सिक्योरिटी गार्ड के हाथों अपनी बेइज्जती करवा बैठी। ये जरा दिखा दीजिए, ये है वो आदमी जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोगों को बेइज्जत करने के लिए आया, और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में भाई बहन बदतमीजी कर रहे हैं? ये जरा दिखाइए इनकी यूनिफॉर्म, दिखा दीजिए इनको। ये देखिए, ये है इनका एटीट्यूड, ये है। वैसे इस जमाट के बाद बड़ी डिबेट भी शुरू हुई थी कि सिक्योरिटी गार्ड ने ज्यादती की या ये न्यूज रिपोर्टर अपनी लाइन क्रॉस कर रही थी। आप इस बारे में क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे हमारे ख्याल में अगर हाथ उठाने की बजाय वो सिक्योरिटी गार्ड इस अंकल की तरह एटीट्यूड दिखाता तो ज्यादा बेहतर बेइज्जती कर सकता था। सेटिस्फाई है ये पूरे गेट एक बार पार का चक्कर लगवाते हैं? हां जी पूरे वो गेट पे जाएंगे या गेट पर जाएंगे बस। बिल्कुल, अगर आप हमें इजाजत दें तो हम कुछ सवारियों से भी बात करना चाहेंगे। दोस्तों पाकिस्तानी मॉर्निंग शोज में अक्सर लोगों की सेहत के हवाले से मशवरे देने के लिए लाइव फोन कॉल्स भी सुना करते हैं, और एक ऐसे ही मॉर्निंग शो में इस तरह की कॉल आई जो ये प्रूव करती है कि शायद ये लाइव कॉल्स का आइडिया कुछ ठीक नहीं है। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, 2-3 दिन हो गए मुझे टट्टी नहीं आ रही। क्या नहीं आ रहा आपको? कोरोना वबा के दौरान जब पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की किल्लत हुई तो ये न्यूज रिपोर्टर रिपोर्ट करने निकल तो खड़ा हुआ, लेकिन इस दौरान वो कोरोना एसओपीज को ही फॉलो करना भूल गया और ठीक तरीके से मास्क नहीं पहना हुआ था। बस फिर अगले ही लम्हे इसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। कुछ शहरी हमारे साथ है जी, मजमू तौर पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं पेशावर में पेट्रोल पंपों पर? पेशावर में तो बहुत बुरी हालत है, किसी पेट्रोल पंप पे ऑयल नहीं मिल रहा। मैं जो हूँ मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। और एक अवार्ड शो में जब माहिरा खान अवार्ड रिसीव करने के लिए स्टेज पर आई तो अपनी को-एक्टर से गले मिलकर गाल चूमकर जब वो जावेद शेख की तरफ मुड़ी तो शेख साहब के जहन में न जाने क्या चल रहा था और वो इस उम्र में जलील हो बैठे। डर गई। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज का ताल्लुक फैसलाबाद से है और फैसलाबादियों के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि वो कितने हाजिर जवाब होते हैं। बस इसी बात का मुजाहिरा हफीज ने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जैनब के साथ एक शो में किया। इस मॉर्निंग शो में जब होस्ट ने क्रिकेटर अहमद शहजाद से एक ऑकवर्ड सा क्वेश्चन पूछा तो वो कुछ ज्यादा ही माइंड करके जरा उनका जवाब चेक कीजिए। खराटे मारते जो मेरे साथ कभी सोया हो उससे पूछने, शायद अम्मी को पता हो। समझ रहे हो ना। और हम न्यूज के मॉर्निंग शो के ये होस्ट तो अपने स्टूपिड क्वेश्चन की वजह से लिविंग लेजेंड बन चुके हैं। सर मेरा हेयर लॉस का ही मसला है, मेरी एज अभी तो 27 है बट मेरे जो हेयर लॉस तकरीबन हो चुका था वो 23 की एज में हो गया था। तो अब कितने बाल बचे हैं आपके सर पर? अभी सर जो आपकी कंडीशन है वही सेम मेरी कंडीशन है। म्यूजिक और एक कॉलर ही नहीं बल्कि अपनी शो में आई हुई एक गेस्ट के हाथों भी अपनी इज्जत अफजाई ये करवा चुके हैं। क्या जरूरत पड़ गई थी आपने गाना शुरू कर दिया? ये और मुल्क में सिंगर नहीं है क्या? यूनिवर्सिटी में जो भी इवेंट्स होते थे गाना गा लिया। तो मतलब पढ़ने का कोई शौक नहीं था यूनिवर्सिटी में? नहीं सर, मेरा ठीक ठाक जीपीए जा रहा। वैसे दोस्तों सारा कसूर अक्सर होस्ट का ही नहीं होता, चवल मारने में समटाइम्स तो शो में आए हुए गेस्ट भी पीछे नहीं रहते। हम लोग सिर्फ एक गाय और भैंस का दूध ही समझते हैं, ऊंटनी का दूध है, बकरी का दूध है, गधी का दूध है, ये तमाम गधी का दूध? जी गधी का दूध तो बहुत ही फायदेमंद है। लाइव शो में आए हुए इस गेस्ट बेचारे ने तो कुछ बोला भी नहीं था कि लाइव कॉलर उसके पीछे पड़ गया। वैसे दोस्तों इस तरह की वीडियोस दिखाकर ऐसे बिहेवियर को एनकरेज करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन अगर मीडिया चैनल्स भी अपनी हरकतों पर गौर कर लें तो शायद इस तरह के बेहुदा लोग भी कम हो जाएं।
अब जैसे यूके में चलने वाले कम्युनिटी टीवी चैनल की इस होस्ट ही को देख लीजिए, जब ये इस तरह की नामुनासिब हरकतें करेंगी तो लोग तो पीछे पड़ेंगे। जी क्या हाल है? ठीक हो जी, मैं शबील तो बोलता हूँ, क्या हाल है थोड़ा? ठीक हो? बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुम्हारी कॉल की थी। कपड़े कहने पाने, कोई शर्म करो, एक अपना बनाया हाल, बहुत शर्म की गल है। जान को तोल कर बोलना चाहिए, और ये शो होस्ट भी सिर्फ इसी वजह से अपनी लाइव टीवी पर इंसल्ट करवा बैठी। नवाज शरीफ, इमरान खान या बिलावल भट्टू, इनमें से किसका सितारा चमकेगा और किसकी शामत आएगी? बिलावल भट्टू, तेरे सदके जाना, तेरी भी उर्दू दे, बिलावल भट्टू। बिलावल भट्टू खामोशी खामोशी। अरे अरे दोस्तों, खान साहब ने गुस्से में आकर खामोशी करने का कह ही दिया, तो चलिए हम भी खामोश हो जाते हैं। लेकिन वीडियो ने एंजॉय करवाया हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना, और अगर ऐसी ही एंटरटेनिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हो तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाना। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे, देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।